कीव पर कब्जे के यूक्रेन, और जो बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता रहे हैं, रूस को रोकने के लिए आम लोग भी सड़क पर उतरे हैं, जैसा गौरव आपको लगातार बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर एंट्री नाकों पर पहरा दे रहे हैं आम लोग, चाहे वो छोटे मोटे पेट्रोल बम्स ये सब बनाकर, हथियारों को उठाकर कैसे टैंकों पर फेंकना है, कैसे हमले करना है, ये आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए तस्वीर हर पल और भयानक और खतरनाक होती है, खतरनाक होती हुई स्थिति ही इसे कहा जाएगा। आप सांसद को देख रहे हैं, सबसे कम उम्र के ये सांसद हैं, इन्होंने हथियार उठा लिए हैं, ऐसे ही अब कभी जो मिस यूक्रेन, कभी कोई मॉडल, कभी कोई एक्टर, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, सब हथियार उठा रहे हैं। किस तरह से ये हमला कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये अपनी अलग बात है, लेकिन आम लोग हथियार उठा रहे हैं और इसी के साथ वो रेजिस्टेंस बिल्डअप कर रहे हैं। जल्दी जल्दी छोटा छोटा रिएक्शन सबसे लेते हैं। मतमान साहब, आपने हाथ उठाया था, जल्दी से कोई रिएक्शन गौरव की बात पर अगर आप देना चाहें, गौरव भी उस पर फिर जवाब देंगे, छोटा छोटा रिएक्शन सर प्लीज। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, जब ये स्टेज हो जाए कि जानकार लोग और विश्लेषक भी वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और परसेप्शन मैनेजमेंट का शिकार होने लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए शतरंज की बिसात पर ज़ेलेंस्की और उनकी जनता मोहरे मात्र हैं। अगर उनकी जनता की जान की किसी को परवाह होती तो ये युद्ध एक आश्वासन मात्र से कब का रुक गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो सब अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है। और बाइडेन साहब अब नहीं रुकेंगे, डिमोनाइज कर रहे हैं पुतिन को जानबूझकर, ताकि कल को वॉर क्राइम्स के चार्जेस उनको लगाकर उनको वहां से उखाड़ कर फेंके, जिससे रशिया एज ए कंट्री कमजोर होता है। पुतिन डेफिनेटली एक स्ट्रांग लीडर है जो उनके लिए हमेशा से खतरा रहे।